देखेंगे, अब प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे ना। चलिए हम एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स क्या होता है, ये कितने क्लासिफिकेशन होते हैं इसके। एसेट ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो एसेट्स दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, और इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट एक होता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट ठीक है। तो एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। एसेट्स की बात करें, संपत्ति अपने घर की संपत्ति नहीं, बिजनेस के अंदर क्या क्या संपत्ति है, जो बिजनेस के पास है उसका खुद का, किसी को नहीं देना, वो उसका एसेट्स है। घर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है सर, बिल्कुल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होता है विच एसेट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कैश, जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता विद इन 1 ईयर। इसका डेफिनेशन है। तो सर करंट एसेट्स बिल्कुल वाइस वर्सा, विच कैन बी कन्वर्ट, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सर आपने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये बताओ बस एक बार। बस बहुत आसान सा मीनिंग है, फटाफट से आप इधर देखो और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आपको, बहुत इजी मीनिंग है। एक बार देख लो आप, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं बिजनेस में जिसका हम बेचना उद्देश्य नहीं होता, उसे लंबे समय के लिए रखते हैं, तो उसे हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। और कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसको लंबे समय के लिए नहीं रखते, कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो करंट एसेट्स बोलते हैं। सर एग्जाम्पल, जैसे देखो डेटर, पैसा लेना है, याद होगा मैंने ब्रैकेट में एसेट्स लिखा था। तो डेटर से जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो कैश हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 साल से पहले मिल जाएगा, तो वो किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। कैश का बैलेंस, मेरे बैंक में कैश का बैलेंस है, एसेट्स है ऑलरेडी, कैश में ही है, किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। स्टॉक का बैलेंस, मेरे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या उसे कैश में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल, जैसे ही कस्टमर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में, तो किसका पार्ट होगा वो, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे वैसे तो नहीं होता जनरली, लेकिन किया जा सकता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी किसका पार्ट होगा, हमारा हमारा किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। तो सर फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल दो, मशीनरी खरीदा, क्या 1 साल में बेचना हमारा पर्पस होगा, नहीं, तो फिक्स एसेट्स। मेरा प्रोजेक्टर है, क्या 1 साल में बेचना होगा, नहीं, फिक्स एसेट्स। मेरा जो मेरे डेस्क हैं, टेबल है, चेयर है, क्या इसको बेचना उद्देश्य होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा, फिक्स एसेट्स। मेरा फैन है, एसी है, क्या मैं 1 साल में बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा, तो फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स हमारे दो टाइप के हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इसको नॉन करंट एसेट्स से भी जानते हैं। अब फिक्स एसेट्स के अंदर दो पार्ट है,
फिक्स एसेट्स के अंदर दो पार्ट है सर। फिक्स एसेट्स में भी दो पार्ट? हाँ जी, फिक्स एसेट्स में दो पार्ट है। एक है हमारा टेंजिबल, एक है हमारा इनटेंजिबल। सर अब ये टेंजिबल और दोनों है तो फिक्स एसेट्स, लेकिन क्या फर्क है देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स जो होता है हमारा, विच कैन बी सी, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो विच कैन नॉट सी एंड टच, विच कैन नॉट सी एंड हुआ जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, उसे बोलेंगे इंटेंजिबल। ये तो परिभाषा सर, एग्जाम्पल भी दो ना। एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल, मशीनरी। क्या मशीनरी आपने देखा है? बिल्कुल सर, मशीनरी देखा है, छुआ भी है। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग देखा है? बिल्कुल सर। फर्नीचर, क्या फर्नीचर देखा है? सर फर्नीचर भी देखा है, छुआ है, ये भी फिक्स एसेट है। नंबर 4, कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर देखा है? बिल्कुल देखा है। नंबर 5, कंप्यूटर के बाद और क्या हो सकता है? मोटर कार, मोटर कार, ये भी देखा है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, एक मैं क्लास स्पेशल लूंगा जिसमें सारे एसेट्स के मैं लिस्ट लिखवाऊंगा, तो आप चिंता ना करें। इंटेंजिबल एसेट्स, ये वो एसेट्स सर, ये नई वर्ड आ गया, गुडविल। क्या होता है? देखो, गुडविल बेसिकली किसी का रेपुटेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी ब्रांड के सामान को यूज करते हो या किसी पॉपुलर सामान को यूज करते हो, तो नो डाउट उसकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन क्या उस क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट जस्टिफाई होता है? आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ठीक तो दे रहा है, लेकिन रेट कहीं उससे ज्यादा ले रहा है। तो किस चीज के पैसे ज्यादा ले रहे हैं? अपने नाम के, शोरूम के। तो जो नाम के पैसे ज्यादा ले रहा है वो गुडविल है। हिंदी में इसको ख्याति बोलते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है जब किसी बिजनेस का एक रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में, तो हम अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं इसका मार्केट में गुडविल है। सेम ऐसे आपने देखा होगा, अगर मुझे कोई बीकानेर या फिर मुझे कोई ऐसा शॉप ओपन करना है जो पहले से पॉपुलर हो, तो मुझे उसका फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है। आपने देखा होगा रिबोक का शोरूम है, आपने देखा होगा केएफसी है, आपने देखा होगा बिग बाजार हो, तो कुछ तो कंपनी के अपने आउटलेट है। आपने एप्पल का देखा होगा मोबाइल फोन का, तो ये सारे हम फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो फ्रेंचाइजी जब लेते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमने फ्रेंचाइजी ली है और कंपनी को कहीं ना कहीं उसके नाम से हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो मेरा फायदा कंपनी की वजह से हो रहा है, तो कुछ हिस्सा हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्राई की बात करूं, फर्स्ट क्राई बच्चों का क्लॉथ बेचता है, तो उससे मैंने फ्रेंचाइजी की बात करी कि फ्रेंचाइजी तो 20 या 25 लाख रुपए बोले आप मुझे दो, उसमें हम आपका सारा डेकोरेशन वगैरह करेंगे, लैंड आपका होगा और वो चार्जेस हमारे रहेंगे, तो फ्रेंचाइजी। तो सेम उसका वो क्या है? गुडविल, अपने गुडविल। गुडविल के बाद नंबर 2, पेटेंट। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया, कोई ऐसा बनाया जो कहीं है ही नहीं मार्केट में। सपोज करो आपने पानी से चलने वाली कार बना दी, तो अगर एक बार आप कार बेच दोगे वो,
तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर उसको फटाफट से खोल खाल के देख के फटाफट से क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट को बना देंगे वो सेम वैसा ही। लेकिन माइंड तो सबसे पहले आपका लगाना, तो आप क्या करोगे, जो आपका थ्योरी है, जो आपका स्ट्रेटेजी है, जो आपका बनाने का तरीका है, उसको आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो कहलाएगा हमारा पेटेंट। मान लो आपने पास फंड नहीं है, तो मारुति कंपनी बोलेगी ये फॉर्मूला मुझे दे दो, हम आपको 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो मारुति कंपनी जो फॉर्मूला खरीदने का दे रहा है, तो आप अपना पेटेंट बेच रहे हो, तो पेटेंट भी क्या है, एक तरीके से एसेट्स। तो फॉर्मूले को आप छू थोड़ी सकते हो, नॉर्मल वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में, थर्ड पॉइंट रूट परमिट, रूट परमिट या फिर थर्ड पॉइंट पेटेंट ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपने देखा होगा नाइकी, जैसे कि मैं ट्रेडमार्क की बात करूं तो ऐसे अगर मैं सिंबल दूं तो आप बोलोगे सर ये नाइकी का सिंबल है, सेम ऐसे एडिडास का अपना सिंबल है, रिलायंस का कई बार देखोगे तो रिलायंस ऐसे करके बना के रखता है, एयरटेल का अपना सिंबल है, तो हर किसी का अपना अपना सिंबल है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, बेसिकली जो लोगो या कोई सिंबल होता है ना, उस सिंबल की भी वैल्यू होती है। अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने राइट का सिंबल डाल दिया, तो नाइकी कंपनी आप पे ऊपर क्लेम कर सकता है कि हमारा कहीं ना कहीं इसकी वजह से सेल अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि कई पर्सन ऐसे हैं जो सिंबल देख के बोलते हैं अरे ये तो नाइकी का ब्रांड है, या एडिडास का ब्रांड है, या प्यूमा का ब्रांड है। तो इस तरीके से तो सिंबल भी आपका एक तरीके से एसेट्स है, जो कि क्या माना जाता है आपका ट्रेडमार्क, और वो इंटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में माना जाएगा। कौन सा एसेट्स? इंटेंजिबल। नंबर फोर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, जैसे कि एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, ये सब भी तो हमारे एसेट्स ही है। अगर मैं अपने एक एप्लीकेशन को डेवलप करवाता हूँ ऑनलाइन सिस्टम के लिए, जिसपे आप देखो वीडियो देख भी रहे होगे ऑनलाइन सिस्टम पे, तो ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए तो एसेट्स है। मैं किसी को ये सॉफ्टवेयर बेचूंगा, या मुझे भी तो किसी ने बेचा होगा, तो पैसे तो दिए हैं, तो उसके लिए क्या था, एसेट्स। तो इससे हम इंटेंजिबल, और बाकी बहुत सारे लिस्ट हम देखेंगे एक्सेट्रा। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मैं इसे एसेट्स ना बोल के मैं टाइप ऑफ एसेट्स बोल सकता हूं, इसे टाइप, टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति। तो टाइप ऑफ एसेट्स की मैं बात करूं तो एक फिक्स एसेट्स होता है, उसको नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये दो तरीके का होता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। सर टेंजिबल क्या है, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सर इनटेंजिबल क्या है, जिसको ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। टेंजिबल के एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार। इनटेंजिबल के गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो आपको याद रखना है ये चीजें। अगर मैं बोलूं भाई गुडविल बताओ किसका एग्जाम्पल है, बोलोगे सर इनटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन बताओ फिक्स है या करंट है, सर फिक्स एसेट्स। इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। तो सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो कि इसमें कोई दो पार्ट नहीं है, इसमें सिंपल है, मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं करंट एसेट्स के। पॉइंट नंबर वन, जैसे कैश का बैलेंस, वो तो ऑलरेडी कैश में है, कैश का या बैंक का बैलेंस। नंबर दो, स्टॉक का बैलेंस। नंबर थ्री, आपका डेटर, अब तो आपको पता होगा डेटर। नंबर फोर, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर फाइव, और बिल रिसीवेबल करवाया था याद है, डेटर का ही दूसरा नाम। नंबर सिक्स, और क्या होता है सर, और क्या होता है, इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो आपको याद होगा सबके ब्रैकेट में लिख रहा था, इसीलिए तो लिख रहा था आपको याद रहे। तो ये हमारा एक एसेट है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमारे बिजनेस में एसेट्स दो तरीके के हैं, एक फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, या फिर करेंट एसेट्स।
फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये दो तरीके का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन सा एसेट्स होता है? टेंजिबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स हमारा वो एसेट्स है जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगता है इनटेंजिबल पे, वो हमारा लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बस याद रखना है, हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर देखेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरा प्रोजेक्टर बताओ कौन सा एसेट से? सोचो। सर आपका प्रोजेक्टर तो फिक्स एसेट से, बिल्कुल। टेंजिबल या इनटेंजिबल? सर ये टेंजिबल है, इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलो, मेरे पॉकेट में कैश पड़ा है। सर कैश पड़ा है, ये भी आपकी एसेट्स है। कौन सा, फिक्स या करंट? सर ये तो कैश में कन्वर्ट किया, कैश के बराबर ही है, तो ये कौन सा एसेट्स माना जाएगा? आपका करंट एसेट्स माना जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हमारा एक फिक्स होता है, एक करंट होता है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। और इसके अंदर एक ना फिक्टिशियस एसेट्स भी होता है, तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी मैं चलो लिख ही देता हूँ। कहाँ लिखें फिक्टिशियस एसेट्स? चलो इसके बाद में लिख दूंगा फिक्टिशियस एसेट्स, मैं समझा देता हूँ पहले। देखो, वो एसेट्स जो कि हमारा होता तो है लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता हमें, जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट। मैंने बोला था ना, एडवर्टीजमेंट कुछ पार्ट तो अभी दिखा दो और कुछ पार्ट एसेट्स में। तो क्या वो सच में एसेट्स है? नहीं सर, वो तो बस दिखा रहे हो ताकि आप उसकी एंट्री कर पाओ, तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। बाकी चलो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो बस जो चीज आपको पता है पहले उस चीज की हम बात कर लेते हैं। तो एसेट्स के डेफिनेशन की तरफ चले, तो देखो एसेट्स आपको मिलेगा डेफिनेशन, कहता है कि एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द राइट विच द ओन्ड और कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। एसेट्स वो होता है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है और जिसपे कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या उसके ऑनर का होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले फिक्स एसेट्स, कहता है फिक्स एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होगा जिसको रखा गया है कंटिन्यू यूज करने के लिए इन द बिजनेस के अंदर, फॉर द पर्पस प्रोड्यूसिंग गुड्स। किस लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और सर्विसेज एंड नॉट मेट फॉर रीसेल, और सर्विस देने के लिए, इसको बेचना उद्देश्य नहीं है। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। ठीक है, क्लियर है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच मीन सेल विच मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट विद इन अ 1 ईयर। करंट एसेट्स वो होता है जिसको सेल करके कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में एक साल के अंदर अंदर। और एज आर दीज एसेट्स ऑल्सो टर्म्स एज अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी एसेट्स। इसको शॉर्ट टर्म एक्टिविटी भी एसेट्स कहते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हो। और भी क्या होता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आ सकता है इसमें, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। जब नोट करने में बोलता हूं तो आप लिख लेना कि मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होता है। कई बार मैं बताते बताते कई बार माइंड से बातें स्किप हो जाती है, तो मैं बता देता हूं जैसे जैसे याद आता है, तो लिख लेना। इसमें एग्जाम्पल है, डेटर एक्सपेक्ट टू कन्वर्ट विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड, तो ये करंट एसेट्स का है। इसके बाद टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन दिया इसने। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच इन वर्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। अदर वर्ड में कहें तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सच एज अ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट सी और फील, जिसे फील भी नहीं किया जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता। फील करने का मतलब मशीन में उंगली डालो और आपकी उंगली खत्म, तो फील हो जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करो। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस ना नोट्स में गलत है थोड़ा सा, मैं स्प्रिंट है, मैं इसे ठीक करके दूंगा, तो बस ट्रेडमार्क तक रहेगा। लिक्विड एसेट्स, सर लिक्विड एसेट्स क्या हो गया? और क्या है सर? और फिक्टिशियस एसेट्स भी है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड का मतलब होता है पानी। इस एसेट्स में से सबसे तेजी में कौन सा एसेट्स है जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है? तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होते। अरे ये काला मार्क, ब्लैक मार्कर आ गया, रेड मार्कर यूज करते हैं। एक स्टॉक,
आपने देखा होगा कई दुकानदार पे तो स्टॉक क्या होता है, पड़े पड़े सालों हो जाते हैं, लेकिन उस पर एक्सपायरी डेट भी आता है, तो वो कैश में कन्वर्ट जनरली नहीं होता। और एक हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी एडजस्टेबल होता है। तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जाता है। इसमें स्टॉक और प्रीपेड को छोड़कर बाकी बचे हुए जितने एसेट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। समझ में आई बात आपको? चलो आ गई समझ में, चलो मैं बताता हूं फिर आपको। कहता है लिक्विड एसेट्स दोस एसेट्स विच आर अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। या तो वो कैश के फॉर्म में है या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, एक्रूड इनकम। इन अदर वर्ड, इफ प्रीपेड एक्सपेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सक्लूड फ्रॉम करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस एक्सक्लूड कर दोगे तो बैलेंस बचा हुआ क्या कहा जाएगा, लिक्विड एसेट। समझ में आया? दोबारा सुनो, अगर करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को हटा दे तो बाकी के एसेट्स जो बचेंगे वो कौन से एसेट्स बचेंगे, लिक्विड एसेट्स। सर ऐसे तो नहीं मजा आ रहा। चलो मान लो ये 100 रुपए है, ये 200 रुपए है, ये 300 रुपए है, ये 100 रुपए है, ये 200 रुपए है, ये 100 रुपए। बताओ करंट एसेट। सर करंट एसेट्स बड़ा आसान है, 300, 600 और एक 700, दो 900 और एक 1000 रुपए का हमारा करंट एसेट्स है। चलिए सर क्विक लिक्विड एसेट्स बता दो। तो लिक्विड एसेट्स इसके बहुत सारे नाम है। इसको हम बोलते हैं एसिड एसेट्स, एसिड एसेट्स। इसको हम बोलते हैं क्विक एसेट्स, क्विक एसेट। नाम नहीं भूलना आपने, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। अब इसको निकाल के दिखाते हैं। सर हाँ सर बताइए। इन दोनों को छोड़ दो, यानी ये लेंगे 100, इसको तो लेंगे ही नहीं, 300, एक 400, दो 600 और एक 700, तो ये आ गया हमारा 700 रुपए लिक्विड एसेट। समझ में आया आपको? चलिए अब फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे इसके बाद। तो एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी एकदम से नोट करिए। नोट करने का मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, अच्छे से साफ साफ। जो समझ में नहीं आता वो आप पूछ भी सकते हैं क्वेरी सेक्शन में जाके। और आप इसके अंदर, मैंने सारी चीजें वैसे तो समझा दी है, बाकी जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसको क्वेरी सेक्शन में पूछिए, और मैं एक बार और इस पर डिस्कस करूंगा। आज खत्म नहीं होने वाला, जब तक ये आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा तो मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, चाहे टाइम कितना लग जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। आप नोट करिए फटाफट से।
जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अब। मिटा दे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारा कर्जा, कोई भी कंपनी पे हो कर्जा। ठीक है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कर्जा। देखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को बेसिकली मैं दो पार्ट में बांट देता हूं। यहां से दो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है हमारा। नंबर वन, ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड चलिए, और एक पार्ट देता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस। चलिए पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की बात करते हैं। इसमें दो टाइम होगा, एक होगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी,
एक होगा आपका, इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इसका दूसरे वर्ड में बोलेंगे हम करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज इसकी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, तो इसमें दो पार्ट हैं सर। कितने दो पार्ट हैं इसके अंदर? एक होता है हमारा इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ जी बिल्कुल, एक होता है हमारा इंटरनल लाइबिलिटी और एक है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। चिंता नहीं करना, पूरा समझ में आएगा हमें। सबसे पहले लाइबिलिटी कर्जे की बात करते हैं। जब कभी भी किसी बिजनेसमैन को किसी को पेमेंट करना होता है, देना होता है, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि कर्जा है। नॉर्मली आप सोचो, आपने अपने फ्रेंड से उधार ले लिया, पैसे देने हैं आपको, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाइबिलिटी बोलेंगे। अब सोर्सेस टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म, इसकी डेफिनेशन मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा विच कैन नॉट पेड विद इन 1 ईयर, जिसको एक साल के अंदर पेमेंट नहीं करना होता, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। इसकी बात करते हैं विच कैन बी पेड विद इन 1 ईयर। चलिए नोटिंग अभी मत करना आप। तो देखो लाइबिलिटी क्या होता है? कर्जा होता है। अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो कर्जा है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट। तो सिंपल सी बात करें तो 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए जब आप कर्जा लोगे तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा, और जब 12 महीने से कम के लिए कर्जा लोगे तो वो शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा विच कैन बी पेड। अगर आप एक साल के बाद, ओहो नॉट पेड, हाँ नॉट पेड, जिसको पेमेंट नहीं किया जाएगा एक साल के अंदर, तो उसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और जिसको पेमेंट किया जाएगा उसको शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे बैंक से लोन। आप जनरली जब लोन लेते हो तो 10 साल, 20 साल, 15 साल का लोन बनवाते हो, तो वो एक साल के बाद होगा। और डिबेंचर, सर डिबेंचर क्या होता है?
देखो जब कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो बैंक से जब पैसा नहीं मिल पाता तो वो डिबेंचर से पब्लिक से पैसे उधार लेता है, तो उसको डिबेंचर कहते हैं। हम डिबेंचर पे बाद में भी डिस्कस करेंगे, और आप अदर सब्जेक्ट में भी देखोगे तो डिबेंचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लो मुझे बैंक वालों ने पैसे देने से मना कर दिया, और मैं एक कंपनी हूँ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, और मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए दो, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया और बहुत लोगों ने मिल के 10 लाख दिया, हर किसी को मैंने कंपनी के पेपर पे लिख के दे दिया कि भाई 10 लाख रुपए दिए हैं ये लोग गारंटी, तो जो ये पेपर है ना मेरे हाथ में, इसको बोलेंगे डिबेंचर। नॉर्मली है तो नॉर्मली कर्जा ही, और क्या हो सकता है डिबेंचर के अलावा, बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क कुछ नहीं है, सेम ही है। डिबेंचर नॉर्मल कंपनी और बॉन्ड नॉर्मली सरकारी कंपनी इशू करती है, तो बॉन्ड हो गया। और क्या हो सकता है हमारा, और हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट, सहारा। बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे कि मैं बैंक हूं और आपने मेरे पास एफडी करवा दिया, तो आप पब्लिक हो, आपने मेरे पास एफडी करा दिया, तो मैंने आपसे एक तरीके से कर्जा ले लिया है, मैं आपको रिटर्न करूंगा, तो जो कर्जा है वो कब तक आपको वापस करूंगा, 5 साल का एफडी करवाया तो 5 साल बाद ही आपके वापस करूंगा, तो बैंक वालों के लिए पब्लिक डिपॉजिट क्या माना जाएगा, लोन माना जाएगा। चलिए, विच कैन बी एक्सेट्रा, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश विद इन 1 ईयर। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर। क्रेडिटर का पेमेंट कब हो जाता है, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसके बाद, क्रेडिटर के बाद अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद नंबर 2, देखो बिल पेबल। आप उधार माल खरीदते हो तो पेमेंट तो 1 साल के अंदर ही दोगे ना, बिल पेबल। नंबर 3, नंबर 3 आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या था, बताया था, जिसका खर्चा तो कर लिया, पेमेंट बाद में देंगे, लेकिन 1 आध महीने में पेमेंट हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नंबर 4, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी तो कर्जा है, तो बहुत जल्दी पेमेंट कर देते हैं हम। नंबर 3 के बाद, नंबर 4 के बाद, नंबर 5 और क्या लिखें, एडवांस इनकम। इनकम बाकी मैं अभी इसके ऊपर डिटेल में लिस्ट भी दूंगा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंपल समझना कि अगर हमें पेमेंट करना है तो ये लाइबिलिटी है। अब चेक करो कि 1 साल के अंदर करना है या 1 साल के बाद करना है। अगर 1 साल के अंदर करना है तो ये हमारा है करंट लाइबिलिटी, और 1 साल के बाद करना है तो ये है लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लाइबिलिटी। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, सोर्सेस के बेस पे। सोर्सेस के बेस पे देखा जाए तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। अगर मैं इंटरनल की एग्जाम्पल लूं तो इंटरनल कौन होता है, जैसे कि मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस को हमें क्या करा कि बिजनेस के अंदर से ही मैंने लोन ले लिया, यानी बिजनेस के एम्प्लॉय से ले लिया, वो बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है, ऑनर से ले लिया, बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है। आपको याद होगा यूजर, इंटरनल और एक्सटर्नल सेम ऐसे ही, तो अंदर का पर्सन है। लेकिन अगर बाहर वालों से ले, बैंक से, तो वो एक्सटर्नल है। अगर हम बाहर वालों से ले, जैसे कि मान लो हम क्रेडिटर से ले, तो एक्सटर्नल है। तो अगर यूजर के बेसिस पे मैं बताऊं तो, या सोर्सेस के बेसिस पे, तो इंटरनल में कौन कौन हो सकता है, ऑनर। इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं, दोनों ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ऑनर। नंबर 2 कौन हो सकता है, मैनेजमेंट या मैनेजर। नंबर 3 कौन हो सकता है, एम्प्लॉय। नंबर 4 कौन हो सकता है आपका, किससे लोन लोगे, और किससे लोन लोगे, इंटरनल। इंटरनल आप सोचो, बिजनेस के अंदर जो काम करता हो उससे ले सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। 3 पॉइंट काफी है, इनफ, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक्सटर्नल में कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे हैं, बैंक। बैंक से जब लोन लोगे तो कर्जा तो है लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। नंबर 1,
नंबर टू, नंबर टू और कौन है? क्रेडिटर। ये भी तो कर्जा ही है, लेकिन क्रेडिटर के अंदर वाला है या बाहर वाला? बाहर वाला है। नंबर तीन, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं क्रेडिटर के बाद। बात करते हैं डिबेंचर, तो ये भी हमारे क्या है? बाहर वाला। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलूं तो ये भी यहां पे आ जाएगा आपका इंटरनल लाइबिलिटी में, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बाहर से आ जाएगा। तो अगर सोर्सेज के बेसिस पे देखें तो दो सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। विद इन अ बिजनेस के अंदर से अगर हमने पैसे का इंतजाम किया या विद इन अ बिजनेस में किसी पर्सन को पेमेंट करना है तो ये भी लाइबिलिटी है, तो ये इंटरनल होगा। अगर आउट ऑफ बिजनेस होगा तो ये एक्सटर्नल होगा। अगर हम फैक्टर देखें टाइम के बेसिस पे तो दो टाइम है, या तो होगा आपका करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म। क्यों होगा? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म और 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म। तो चलिए हम देखते हैं लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो क्या लिखा है, आराम से पढ़ते हैं। लिखा है लाइबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी रेफर्स करता है एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के आपको पेमेंट करना है, ऑफ एन एंटरप्राइजेस अदर देन ऑनर फंड। ऑनर फंड का मतलब यहाँ पे है कैपिटल, से लिख लेना। ऑनर फंड का मतलब कैपिटल, कैपिटल के अलावा किसी और को पेमेंट करना होता है। याद होगा मैंने बैलेंस शीट बनाया था तो कैपिटल लिखा था। लाइबिलिटी में भी ब्रॉडली क्लासिफाई एज फॉलो। एक करा है सबसे पहले करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कहता है करंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमारा वो लाइबिलिटी है विच आर एक्सप्रेस टू बी सेटल्ड, जो कि एक्सप्रेस या सेटल्ड। सेटल का मतलब यहाँ पे है पेमेंट, नोट कर लीजिएगा इसको। आइदर विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और विद इन अ 12 मंथ। या तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब 12 महीने से कम का ही है या 12 मंथ के अंदर। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पता है क्या था? बैलेंस शीट जो हमने बनाया था लाइबिलिटी एसेट्स, तो बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स प्रोविजन है, तो प्रोविजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ। तो नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा वो लाइबिलिटी है जिसका सेटल 12 मंथ के बाद किया जाता है, और बैलेंस शीट आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, और सेम है 1 साल के बाद, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड एक्सेट्रा लिख दिया है। अब लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। इंटरनल लाइबिलिटी रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइजेस टुवर्ड ओनर। जो ओनर का होता है उसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स आउटसाइडर। जो बिजनेस के बाहर वाले को देना बाकी रहता है वो आउटसाइडर होता है। तो अभी हमने क्या खत्म किया बताइए आप? इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फटाफट देखते हैं शुरू से अभी तक क्या क्या टर्म्स में, डेफिनेशन देखने, बहुत कुछ सीख चुके हो आप। अब आगे आएगा बस फटाफट से खत्म हो जाएगा हमारा सारा। कैपिटल क्या होता है? जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्रॉइंग, ऑनर बिजनेस से निकाल लेता है पर्सनली यूज के लिए, ड्रॉइंग। परचेज, रीसेल पर्पस के लिए सामान खरीदेंगे तो परचेज। परचेज रिटर्न, सप्लायर को सामान वापस कर दोगे, परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स, जब कभी भी सामान खरीदा था बेचने के लिए और उसे बेच दिया तो सेल। सेल्स रिटर्न, जब कभी आप किसी कस्टमर ने आपको सामान वापस कर दिया तो उसे सेल्स रिटर्न। दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं डेटर, जब किसी को उधार माल बेचेंगे और उससे पेमेंट लेना बाकी है तो डेटर, डेटर। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें डेटर के बाद, तो बिल्स रिसीवेबल। अगर किसी को उधार माल बेचते हैं और उसे गारंटीड लिखित में ले लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटर। क्रेडिटर, जब कभी किसी को हम उधार माल खरीदते हैं किसी से और उसे पेमेंट करना बाकी होता है तो क्रेडिटर। बिल्स पेबल, गारंटी ले ले तो बिल्स पेबल। इंसॉल्वेंट, जब कोई हमारे पैसे टाइम पे रिटर्न कर दे तो इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉरी इंसॉल्वेंट, जब पेमेंट नहीं दे पाए तो इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, जब कोई टाइम पे पेमेंट दे दे तो सॉल्वेंट।
बैड डेट्स, जब किसी को उधार माल बेचा हो और वो अपना पैसा नहीं दे पाता तो बैड डेट्स। इसके बाद बैड डेट्स रिकवर, मैंने करवाया नहीं है, बैड डेट्स रिकवर, जब हमारा डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाता है तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चे को एडवांस में कर देना प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी खर्चे को कर तो दिया, पेमेंट बाद में करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्रूड इनकम, इनकम कमा तो लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड इनकम। एडवांस इनकम, इनकम कमाया ही नहीं और मैंने पहले ही पैसे रिसीव कर लिए, उसे बोलेंगे एडवांस इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट देता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आप इसको आगे फर्दर डेफर्ड करते जाते हो तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमने करा एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स कितने तरीके के हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के दो पार्ट, टेंजिबल इनटेंजिबल। करंट एसेट्स का कोई पार्ट नहीं था, वैसे दो पार्ट हो गए करंट के भी, लिक्विड और करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स जिसे छुआ नहीं जाता, देखा नहीं जा सकता, गुडविल पेटेंट। करंट एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन अ 1 ईयर। और लिक्विड एसेट, स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ दो तो लिक्विड एसेट्स। लाइबिलिटी आपका टाइम बेसिस पे होगा, सोर्सेस बेसिस पे होगा। टाइम बेसिस पे बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, सोर्सेस पे बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी तक ये डेफिनेशन क्या, देखो 5 मिनट में आपने सारा समझ लिया, अब इसको एक बार फटाफट नोट करिए, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए, आपका एग्जाम आने वाला है, मन लगा के पढ़ना है और इस बार आपको टॉप करना है एग्जाम में। इस बार क्या, पहली बार में ही टॉप करना है आपको, और आपको प्रूफ करना है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अब फटाफट से नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। कर लिया नोट, चलिए लास्ट डेफिनेशन। स्टॉक, इसको हमें इन्वेंटरी भी बोलते हैं। इन्वेंट्रीज,
स्टॉक, और इसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में स्कंद बोलते हैं इसके। तो हिंदी वर्ड तो देखो बहुत टफ है, लेकिन इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा आपने सुना भी है और जल्दी इजीली हो जाएगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में दोनों वर्ड में लिखा होता है। तो जो अकाउंट्स का सेक्शन है, कुछ वर्ड्स देख के ही पता चल जाएगा। तो आप इंग्लिश में पढ़ के और उसे समझ के जवाब दे सकते हैं। तो स्टॉक या इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा जाता है बिजनेस के अंदर, तीन कैटेगरी में। सर हर किसी को कैटेगरी में बांट देते हो आप, अब क्या करूं मैं? जब तक आपको अच्छे से ना समझा तो मेरा मन नहीं मानता। एक होता है हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। तो तीन कैटेगरी में बांट दिया सर, अब ये है क्या ये तो बताओ। चलो डिजाइन बना देते हैं बच्चे, बस थोड़ा सा, थोड़ा आपका मन लगा रहे और मेरा भी मन लगा रहा है। थोड़ी राइटिंग साफ सुथरी तो है नहीं इतनी, फिर भी कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल, स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है स्कंद हिंदी में, और ये होता क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को अगर बेसिकली मैं बोलूं तो कच्चा माल, कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस को हिंदी में बोले तो अध पका माल, अध कप पका, लिखूंगा नहीं बता रहा हूं मैं। फिनिश गुड्स को बोले तो तैयार माल, तैयार माल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप सबके घर पे रोटी तो जरूर बनता होगा, मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूं। आप सब बनाते हो रोटी या नहीं बनाते? नहीं बनाते। चलो नहीं बनाते, तो बनते हुए तो दिखा देखा होगा। अब रोटी कैसे बनाया जाता है? आप रोटी को सबसे पहले तो आटा, आटा लाओगे, फ्लोर लाओगे आप, आटा। आटे को लेके आया, उसके बाद आटे को क्या करोगे? सीधा आटे को खा तो सकते नहीं है, उसको हम करेंगे, आटे को एक हम जार में डालेंगे और उसमें थोड़ा पानी देंगे। ऐसा नहीं होगा जार, इसमें तो इस तरीके से होता है, मैंने देखा है जहां तक, ऐसा होता है ना। ये तो नाव बन गया, छोड़ो, ये जार बना देते हैं। जार में आपने आटा डाला, आटा डालने के बाद उसके आप क्या करोगे? उसको गूंथोगे। क्या आप इसको खा सकते हो? नहीं खा सकते सर, इसको बनाओ पहले। इसके बाद आप क्या करोगे? चूल्हे पे, ये हमारा चूल्हा है और ये इस पे तवा है। अब पता नहीं क्या बन गया ये, समझ जाओ बस, इस पे तवा है और ये स्टैंड है। इस पे जब बनाओगे तो रोटी बनेगा, उसके बाद जो रोटी बनेगा वो खाओगे। तो जो आटा है वो बिल्कुल कच्चा है, इसको हमने कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो ये तो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। लेकिन जो आटा मैंने गूंथ दिया है, ये ना तो कच्चा है ना तो पक्का है, अध पक्का बोलेंगे। यानी इसके अंदर एक एक्टिविटी और कर दे तो तैयार हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और रोटी बन गया तो इसको जिसको मैं FG बोलूंगा। सर अकाउंट से क्या लेना देना, आप तो घरेलू बात कर रहे हो। देखो जैसे मकान, हम कोई मटेरियल बनाते हैं, मार्कर, मार्कर के अंदर जो प्लास्टिक खरीदेगा वो क्या होगा बताओ? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल।
अब मार्कर अभी तैयार नहीं हुआ, इस पे कलर वगैरह नहीं हुआ, अभी पड़ा हुआ है, तो वो मार्कर किस में जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा पैक वैक हो गया, तैयार हो गया, तो वो किस में जाएगा? हमारा फिनिश गुड्स में। एक और एग्जांपल लो देते हैं, मान लो एक छोले भटूरे वाले का एग्जांपल, चलो ये तो रोटी के जैसे ही हो गया, सब्जी की बात करते हैं। सब्जी बनाते हो, सब्जी लेके आए, सब्जी क्या है आपके लिए? कच्चा माल है। फिर आपने सब्जी को काटा, धोया, क्या बन गया? अभी इसमें एक एक्टिविटी करोगे तो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? जो पूरा पका नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ये पूरे तरीके से पक जाता है, तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स बोलेंगे। तो स्टॉक को तीन कैटेगरी में, हर बिजनेस में होगा, कच्चा माल भी होगा, प्लास्टिक रखा हुआ है, मार्कर अभी थोड़ा बन के, इसका कैप वगैरह बन के रखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, ये तो तैयार पैकेट पूरे बिकने के लिए तैयार है, उसे क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनिश गुड्स में। सिंपल, रॉ मटेरियल वो होता है जिसको हमने अभी अभी रिसेंटली खरीदा ही है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तब जाके बनता है हमारा। तो चलो इसको डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम, आपके नोट्स में गिवन होगा, जो मटेरियल गिवन, स्टडी मटेरियल इसमें गिवन है। देखिए, टाइप ऑफ स्टॉक, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, और टाइप ऑफ स्टॉक की बात करें, थ्री टाइप का होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरर में होगा, अगर ट्रेडर है तो उसके लिए नहीं है। इट इंक्लूड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड यूज टू देम प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज, लेकिन अभी अनयूज है, अभी लेके आए हो, अभी रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लॉथ मिल है, कॉटन जो लेके आया है वो स्टॉक मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ स्टॉक ऑफ पार्टली फिनिश, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पार्टली फिनिश्ड है गुड्स। इट मीन्स सेमी फिनिश्ड, कुछ पार्ट फिनिश्ड होने में रह गया है। सच गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इन टू द फिनिश गुड, इसमें कुछ प्रोसेस कर दिया जाए तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा। थर्ड पॉइंट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इट इंक्लूड स्टॉक दोज विच हैज बीन कंप्लीटली प्रोसेस, जो कि कंप्लीटली क्या हो गया है, प्रोसेस हो गया है, एंड रेडी फॉर सेल, और ये बिकने के लिए तैयार है, बट लाइंग अनसोल्ड, लेकिन अभी बेचा नहीं गया, बिकने के लिए तैयार है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग, सॉरी फिनिश गुड्स। अब एक और टर्म्स है इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, बस लास्ट है, चिंता मत करो, इसे मिटा देते हैं, इसे लिखोगे, चलो लिख लेना, याददाश्त रहेगा। देखो हमारा अकाउंटिंग जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है, या तो हमारा अकाउंटिंग होगा 1/4 को स्टार्ट और एंड होगा 31/3, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जैसे 1/4/2010, तो एंड पता कब होगा ये? 31/3/2011, तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और एक कैलेंडर ईयर भी होता है, जो कि आप न्यू ईयर मनाते हो, जैसे 2010, और ये खत्म कब होगा? 31/12/2010 में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जो साल के शुरू में या दिन के शुरू में होगा, इस डेट पे होगा, उसे बोलेंगे ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक। और जो साल के अंत में होगा, उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और हम बैलेंस शीट वगैरह किस डेट पे बनाते हैं? इस डेट पे बनाते हैं, साल के एंड में। तो ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के शुरू में हो, या कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो। अगर मैं बात करूं, आज मैंने शाम को सब्जी का दुकान लगाता हूं, अगर मैं वेजिटेबल सेलर हूं, तो आज रात को जो माल बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, और उसको मैं कल बेचूंगा, तो कल सुबह सुबह उसी माल को बेचूंगा, तो कौन सा स्टॉक बेचूंगा? कल के लिए वही बन जाएगा ओपनिंग। यानी ये जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग होगा, लेकिन क्लोजिंग अगले दिन के लिए। अगले दिन की मैं बात करूं तो 1/1/2011 के लिए यही क्या बन जाएगा? आपका ओपनिंग। तो जो पिछले साल हमारा क्लोजिंग था, वो इस साल का क्या माना जाएगा? ओपनिंग माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है स्टॉक इन्वेंटरी को लेके, तो द टर्म स्टॉक इंक्लूड वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच इज लाइंग अनसोल्ड। तो स्टॉक वो होता है जिसको अभी बेचा बेचा नहीं गया है, बेचना बाकी है,
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में द स्टॉक मे बी टू टाइप, दो तरीके का स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या कहता है? द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है मीन दैट वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और ये अभी बेचना बाकी है। सेकेंड पॉइंट, वेयर द टर्म्स क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करें, मीन्स द वैल्यू ऑफ लाइंग अनसोल्ड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, साल के एंड में जो अनसोल्ड है वो है क्लोजिंग स्टॉक और साल के शुरू में जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। क्या समझ में आए? सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे लगभग लगभग हमने खत्म कर लिए। यानी आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ये सेकंड चैप्टर में मैं रखूंगा, तो सेकंड चैप्टर में लगभग लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म कर लिए। अब हम कुछ और टर्म्स करेंगे जो मजा आने वाला है, जैसे कि हमारा क्या करने वाले हैं और क्या टर्म्स करेंगे हम। अब प्रिंसिपल और अजम्पशन करेंगे, नोट करिए तब हम करेंगे, पहले जल्दी जल्दी आप नोट करिए, फटाफट नोट करिए बिना देरी किए हुए, बहुत कुछ करना है आज हमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम, तो फटाफट से नोट करिए आप जल्दी से। कर लिया नोट। चलिए सारा डेफिनेशन खत्म हो गया, लेकिन क्या करें कम ना हो, और सारा डेफिनेशन खत्म करते करते एक दो डेफिनेशन और याद आ गया, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए एक दो डेफिनेशन और याद आ गया, उसको भी कर लेते हैं। सारा डेफिनेशन खत्म तो हो गया, बस ये चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है, आपको इस चैप्टर से लेता है, टूटते हुए बचाना है इस चैप्टर को बस। चलिए एक है हमारा रिसिप्ट, रिसिप्ट सर, ये रिसिप्ट, रिसिप्ट दो तरीके का होता है, फिर से दो तरीके का आ गया, ये दो तरीकों ने तो जीवन खराब कर दिया मेरा। दो तरीका, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट दो तरीके का रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट एक रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए बेसिकली रिसिप्ट्स क्या होता है,
जब आप पैसे रिसीव करते हो ना तो उसे रिसीव बोलते हैं। मैंने आपको पैसे दिए, रिसीव है। आपने मुझे फीस दिया, रिसीव है। तो सर रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू तो इनकम के है ना। आप मुझे रखने के लिए पैसे दे दो, वो भी मैं रिसिप्ट बोलूंगा, ठीक है? तो रिसिप्ट, रिसिप्ट दो तरीके का होता है। एक रिसिप्ट ऐसा है जिसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं। याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस जो कि रेवेन्यू नेचर वाला कराता है, याद है ना? उसमें क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब ये सर क्रेडिट साइड मत बोलो, ये तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगली क्लास में क्रेडिट और डेबिट क्लियर कर दूंगा मैं, इसको देखो पहले। और एक चला जाता है रिसिप्ट हमारा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में रिसिप्ट कब से जाने लग गया? जाएगा अभी। एक रिसिप्ट चले जाता है बैलेंस शीट में और ये लाइबिलिटी में चले जाता है, लाइबिलिटीज में चले जाता है, और लाइबिलिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है सर, मान गए इस चैप्टर को। अब देखते हैं कितनी देर में खत्म करते हो आप, बस हमें पागल बना रहे हो। बस लास्ट टॉपिक है और कुछ नहीं। कैपिटल रिसिप्ट होता है जब कभी भी आप किसी लोन या ऐसा पैसा लोगे जो रिसीव करोगे जिसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, उस रिसीट्स को कहेंगे हम कैपिटल रिसीट्स। जब कभी ऐसा पैसा आपके पास आए जिसको आपको पेमेंट करना है तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट्स। जैसे लोन, जैसे बैंक लोन हो गया, या फिर आपका मान लेते हैं रिसीव होना चाहिए बैंक, आउटस्टैंडिंग में रिसीव नहीं होता, लोन हो गया, क्रेडिटर में रिसीव नहीं होता। जैसे आपका हो गया, आपका रिसीव, रिसीव फ्रॉम लोन लिख देता हूं, रिसीव या कैश रिसीव फ्रॉम लोन, याद रखोगे आप। बस एक एग्जांपल बहुत है। दूसरा रेवेन्यू रिसिट, जैसे कि सेल्स, यानी कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम सेल, यही तो है डिफरेंस। तो एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहां दिखाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैपिटल रिसिप्ट को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां, ये बताओ सर, लिखा तो है ऊपर, क्यों परेशान करते हो? लाइबिलिटीज में। क्या बात, आपको समझ में आई? हाँ सर, अब तो बहुत कुछ समझ में आ गया। क्या अब चैप्टर ने आखिरी सांसें ले ली? बस एक बार पढ़ दूं फिर आखिरी सांसें ले लेगा ये। पढ़ते हैं, चलो। कहता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक प्रॉपर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट्स। आपको जानना चाहिए कि कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स में प्रॉपर डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स शो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, एंड वेयर एज द कैपिटल रिसिट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये हमारा होता है रिसिट्स। अब इसमें कुछ लिखा है मैंने, बस आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है, बस खत्म कर दिया, चिंता मत करो। कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रेफर्स टू दोज रिसिट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, सिंपल। अब इसके एग्जांपल देखते हैं आपका कैपिटल रिसिट्स का, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया था, देखो लोन तो लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग भी अगर बेचते हो कोई एसेट्स, मैंने क्या बोला, एसेट्स वैल्यू को कम करे, तो लैंड एंड बिल्डिंग से भी पैसा अगर बेच के आता है तो वो कौन सा रिसिट्स माना जाएगा? कैपिटल। रेजिंग लोन पर्सनल कैपिटल, रेजिंग कैपिटल, ये कैपिटल रिसिट्स है। रेवेन्यू में मनी डेबिट टू द सेल ऑफ गुड्स, सॉरी मनी ऑब्टेन, इंटरेस्ट रिसीव, सब कुछ। चलो यहां पे एक बार लिख देता हूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी लिख देता हूं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब चैप्टर तो खत्म कर दिया आपने, अब कितने मजे लोगे आप, अब तो चैप्टर खत्म हो गया। कमीशन रिसीव, चलिए बेटे अब नोट करिए, बस चैप्टर ने दम तोड़ दिया, आज इसको दम तोड़ते हुए देखोगे चैप्टर को आप, खत्म कर देंगे। फटाफट नोट करिए एक बार, बस चैप्टर को खत्म होते देखना है आज।
नोट करिए जल्दी जल्दी, बस आज चैप्टर को खत्म करके मानेंगे, कुछ भी हो जाए आज देख लेते हैं, या तो चैप्टर या तो मैं। करिए नोट। चलिए चैप्टर आज खत्म करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए सर, आज आप कराओ, आज जितना करा सकते हो आज देख लेंगे, आज इस चैप्टर को खत्म होते हुए देखेंगे। हाँ बच्चे, आपको टेंशन नहीं लेना, आप तो आज इसको खत्म ही कर दोगे, मैं भी आज इसको खत्म कर दूंगा। एक वर्ड होता है हमारा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये क्या होता है चलिए देखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आज खत्म करना है इस चैप्टर को। देखो मान लो एक आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और जो बिजनेस आपको स्टार्ट करना है उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या एक्टिविटी करना होगा। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं, आपको रेंट पे एक दुकान लेनी पड़ेगी, स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, आपको इसमें पेंट करवाना पड़ेगा, स्टार्ट नहीं हुआ, सामान आएगा तभी तो स्टार्ट होगा, पूजा करोगे तभी तो स्टार्ट होगा। आपने पेंट करवाने के बाद और क्या किया, इस पे एडवर्टीजमेंट करवा दिया, बोर्ड वगैरह बनवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया, और क्या करवाया, पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा दिए। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं, आपने 4,000 का खर्चा कर दिया रेंट में, पेंट में 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया, एडवर्टीजमेंट में 6,000 का खर्चा कर दिया, टोटल कितने खर्चे कर दिए सर, 20,000 रुपए हमने खर्च कर दिए हैं। यही तो बताना चाहता हूं, बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले आपने खर्चे किए हैं या बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद, जल्दी जल्दी बताइए सोच के। सर बिजनेस तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो स्टार्ट होने से पहले का खर्चा है, तो इसलिए प्री का मतलब बताइए क्या होता है। पहला, लिमिनरी का मतलब छोटे मोटे, छोटे मोटे मोटे, एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो वो खर्चा जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कर दिया जाए उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, और अगर ये बहुत हैवी यूज होता है तो इसको भी हम राइट ऑफ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, काइंड ऑफ इसी तरीके का होता है। हाँ सर समझ आ गया, तो देता हूं, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा। चलिए नोट करिए, अब नोट करिए, दम तोड़ दिया बस चैप्टर ने, नोट करिए, अब आप इसको नोट करिए। कर लिया नोट। चलिए अब कुछ और बातें बता दूं मैं, बस खत्म हो गया चैप्टर ने दम तोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चला और चैप्टर ने दम तोड़ दिया। और कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि आपका सन्ड्री एक्सपेंस, इसी को हम जनरल एक्सपेंस भी कहते हैं, इसी को हम मिसलेनियस एक्सपेंस भी कहते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, थोड़ा एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं। इन सभी का मतलब होता है हमारा बिजनेस में किए गए छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, समझ में आई बात आपको, इन सभी को कहा जाता है छोटे मोटे खर्चे। तो एक बार बस छोटा सा रिमाइंड रखना है आपने, और कुछ भी नहीं, तो अब चैप्टर ने दम तोड़ दिया और कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्लास में अब हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चाहे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हो, चाहे आपका प्रिंसिपल एंड अजम्पशन हो, ठीक है?
चलिए फटाफट से अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।